हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारे न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का किया उद्घाटन। 10 जनवरी तक आयोजित सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय ले रहे हैं हिस्सा। सम्मेलन में गयाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति की तारीफ। रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर के सचिव स्वामी अच्युतेश्वरानंद ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। शिक्षा सहित समाज कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। नोक्ते और वांचो इंडिजिनस ट्राइब्स के प्रमुखों ने भी राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। आगामी 12 जनवरी से अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में शुरू हो रहा है परशुराम कुंड महोत्सव। 16 जनवरी तक जारी रहने वाले परशुराम कुंड महोत्सव के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अरुणाचल की संस्कृति को समझने का अनूठा अवसर होगा ये महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, गृह उद्योग, हस्तशिल्प और मोटे अनाज जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है और भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों से आह्वान किया कि भारत की प्रगति के साथ साथ देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी रखें और इसे दुनिया को बताएं। श्री मोदी ने विभिन्न देशों में भारतवंशियों के संघर्ष और उपलब्धियों के साथ की गाथा संरक्षित रखने की अपील की। We celebrated 75 years of India's independence just a few months ago. Our digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bhartiyas have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. Hum duniya ke alag alag konon mein gaye, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में
जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति की सराहना की है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री इरफान ने कहा कि उनका देश मानव संसाधन प्रबंधन के लिए भारत की मानवतावादी पहलों से बहुत कुछ सीख रहा है। इस अवसर पर सुरिनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को अमृतकाल में भारत के 25 वर्षों के विकास की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतवंशियों के लिए भाषा, फिल्म, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विषयों पर केंद्रित संस्थान स्थापित करने की भी प्रस्ताव किया। Significant day in the history of India, for it was on the 9th of January 1915, Mohandas Karamchand Gandhi returned home to India from South Africa. It was on this day, 107 years ago, that the once physically frail looking, but morally formed and formidable man returned and intensified the struggle for India's independence. India's independence was an inspiration for freedom-seeking peoples around the world. It ignited their hopes and aspirations of freedom and a better future for them and their progeny. This convention is a great momentum for new opportunities to explore for both our nations in the so-called Amrit Kal of New India, which was introduced by Prime Minister Narendra Modi in 2021, which we support. With the projected 25 years of sustainability should not only be spread to all areas and places in India, but it should also get outreach to our diaspora nations and our diaspora people, and that is also one of the reasons why we are gathered here today. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि रामकृष्ण मिशन बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए लोगों की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। राज्य सचिवालय ईटानगर में तिराप जिले के नरोत्तम नगर में स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल के सचिव स्वामी अच्युतेश्वरानंद के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा सहित समाज कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नोक्ते और वांचो इंडिजिनस ट्राइब्स के प्रमुखों ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अपनी भूमिका के विषय में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने चीफ ऑफ नोक्ते एंड वांचो इंडिजिनस ट्राइब्स से समाज में नशे के सेवन की समस्या के खिलाफ अभियान में सहयोग का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 12 से 16 जनवरी तक होने वाला परशुराम कुंड महोत्सव राज्य की संस्कृति को समझने का एक अनूठा अवसर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये महोत्सव देश और विदेश के पर्यटकों के लिए सुखद अनुभव होगा। मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के कुंभ के रूप में विख्यात परशुराम मेला 2023 के लिए पर्यटकों से आधिकारिक वेबसाइट www.parshuram-kund.in पर रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने चुनाव आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। गौरतलब है कि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 8,31,618 है, जिसमें 4,22,418 महिला मतदाता और 4,09,200 पुरुष मतदाता है। राज्य चुनाव आयोग के जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लेकिन कोयू ने प्रदेश के 60 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। अपना नाम
मतदाता सूची में जांच करने के लिए वेबसाइट www.ceoarunachal.nic.in और www.nvsp.in या वोटर्स हेल्पलाइन ऐप पर पता कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के साथ जिन मतदाताओं के नाम कई जगहों पर है उन्हें हटाया गया है। राज्य के सुदूर इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है और उनके लिए आजीविका के अवसर बढ़ रहे हैं। दिवांग वैली जिले के अनिनी से करीब 20 किलोमीटर दूर BRO मिहांदो PMGSY रोड के बनने से स्थानीय लोग अब बड़े पैमाने पर कीवी सहित अन्य फलों की बागवानी के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। स्थानीय नागरिक रतानी मिहू ने बताया कि बच्चों को स्कूल जाने और बीमार होने पर अब अस्पताल पहुंचने में भी सुविधा हो गई है। तो विलेज के लिए बनाया गया है, अभी जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है ये रोड बांके खत्म हो गया अभी, तो अभी आना जाना विलेजेस लुक अभी स्टार्ट हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ये सड़क बनने से गांव को इतना फायदा मिला है कि उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो कीवी का होता है वो लोग कल्टीवेशन करना स्टार्ट हो गया ये रोड का वजह से। पहले यहाँ पे रोड नहीं था, उस समय को गांव का आना जाना में प्रॉब्लम होता था, अभी बहुत आसान सा बिजनेस करने का लायक भी हो गया और बच्चे लोग के लिए ज़्यादा स्कूल जाते हैं वो लोग के लिए शॉर्ट रास्ता भी हो गया, तो ये रास्ता की वजह से विलेजेस को बहुत फायदा मिला है। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम MEDP के तहत चांगलांग जिले के जयरामपुर में 30 स्व सहायता समूहों के सदस्यों को उद्यमिता प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न फ्लो के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के बारे में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। सीमा सड़क संगठन के कर्मयोगी प्रोजेक्ट वर्तक के तहत फ्रीजिंग टेम्परेचर के बावजूद तवांग जिले के सिलापास और अन्य इलाकों में बर्फबारी से प्रभावित सड़कों पर सामान्य यातायात बहाल करने में लगे हुए हैं। BRO की कर्मनिष्ठा के कारण पर्यटकों और आम नागरिकों का तवांग रीजन में आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। BRO के कर्मी करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिलापास से यातायात को जारी रखने के लिए मशीनों के साथ तैनात है। अपर सियांग जिले में बच्चों और अन्य आयु वर्ग के लिए जिम, चिल्ड्रन पार्क और कैफेटेरिया जैसे सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। फॉरेस्ट पार्क हिंग्योंग में ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क का विकास किया गया है जिसमें स्थानीय लोग अपने आप को फिट रखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। अनिनी में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली और अंजाव जिले के सुदूर सीमावर्ती गांवों के बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार में योगदान दे रहा है। इस विद्यालय में इतिहास के लेक्चरर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मोहम्मद शाहिद खान, राजस्थान के गणित के शिक्षक रोहिताश्व कुमार मिश्रा और बिहार के मधुबनी जिले के हिंदी के लेक्चरर विनोद कुमार चौधरी ने बताया है कि सभी के खान पान, बोली और त्योहार एक साथ मिलकर मनाने और एक दूसरे की कला और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलता है। मैं अहमद खान है और मैं कश्मीर रीजन से, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से हूं और मैं नवोदय से ही पढ़ चुका हूं, 7 साल हमने नवोदय में ही गुजारे हैं, तो आज हम यहां आए हैं अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट बात यह है कि हम जिस रीजन से आए हैं तो करीब करीब हमारा जो रहता है ये एनवायरनमेंट सेम ही रहता है, विंटर्स में हो या समर्स में सेम ही रहता है। जी सर, मैं यहाँ पे हिस्ट्री पीजीटी हिस्ट्री के पोस्ट पे हूँ जी। एक्चुअली हमारी जो लाइफ है बॉर्डर्स पे ही गुजरी है, तो ऐसा कुछ खास तो नहीं है, अच्छा ही लग रहा है कि हम वहाँ भी बॉर्डर पे हैं, एक बॉर्डर से आ गए हैं तो दूसरे बॉर्डर में हम पहुँच गए यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट भी सिमिलर ही है,
जो वेदर कंडीशंस है ये भी सिमिलर ही है, करीब करीब सिमिलर ही है। जी मैं राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ पर TGT मैथ के रूप में काम करता हूँ। इधर से जैसे राजस्थान में डेजर्ट इलाका बहुत ज़्यादा है, इधर देखे तो पहाड़ी इलाका है, पूरा बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इधर देखने से अच्छा लगता है, थोड़ा सा नज़रिया अच्छा है। वहाँ पे हम हमेशा मिट्टी वगैरह ही देखते रहते हैं, पानी की बिल्कुल वहाँ पे बहुत कमी है राजस्थान में, तो इधर पानी बहुत ज़्यादा है। मैं बिहार का रहने वाला, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहा हुआ, स्टाफ रूम में यहाँ पे हमारे यहाँ लगभग बहुत से जितने भी स्टाफ हैं सब अलग अलग राज्य से आए हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, असम के हैं, उसके बाद बंगाल के भी हैं, और मैं बिहार का भी हूँ, उत्तर प्रदेश के भी हैं। तो हम लोग भिन्न भिन्न जगहों पे हैं, लेकिन जब हम एक जगह है अपने स्टाफ रूम में बैठते हैं तो हमें कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि हम किसी अलग राज्य से आते हैं, चूँकि हम लोगों का भले ही अलग अलग अपना ये लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन सोच हम सबों की एक ही है, और इससे हमें काफ़ी मैंने अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस हम करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।